मॉर्निंग नमस्ते कैसे हो आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में और आज और दिन की शुरुआत करिए लड्डू गोपाल जी को चाय पिला के और इनके बिना तो शुरुआत होती नहीं है सबसे पहला काम यही होता है कि लड्डू गोपाल जी को चाय पिला के बाहर से फिर धो के और अब अंशु अंशू को चाय दूंगी और अंशु भी रात को कह के सोया था कि मम्मी मेरे को जल्दी उठा देना मेरा इंग्लिश का पेपर है मैं रिविजन करूंगा तो उसको अब उठाती हूँ जल्दी क्योंकि वो तो लेट उठता है गुड्डू जब नहा लेती है निकल लेती है बाथरूम से तब तो वो उठता है कहता है मेरे को मम्मी इस टाइम उठाया करो तो रात को तो जल्दी कह के सोचता है कि मम्मी कल मेरे को लेट मत उठाना कल जब आप गुड्डू को उठाते हो उसी टाइम पे मेरे को उठा देना मेरे को रिवीजन करना है तो उसको भी उठाती हूँ साथ में क्योंकि पढ़ाई करेगा दो घंटे उसको कह देगा क्वेश्चन तो आंसर याद कर रहे मम्मी दो लेसन के रह रहे तो उसको भी उठाती हूँ तो अब लड्डू गोपाल का मुँह धोती हूँ गर्म पानी से क्योंकि हम भी भई अब गर्म पानी यूज़ करते हैं तो लड्डू गोपाल को, को भी ठंड लगती है अब तो लड्डू गोपाल का मुँह भी अब गर्म पानी से ही दूँगी और फिर चाय पिलाएँगे गर्मा गर्म लड्डू गोपाल जी को और फिर अंशु गुड्डू को भी उठाएँगे मैं भी चाय पीऊँगी क्योंकि दिन की शुरुआत तो चाय के साथ ही होती है लड्डू गोपाल जी को पिला दिए और अब हम भी पियेंगे चाय और मम्मी को भी बिना दूध की चाय दी है क्योंकि मम्मी कहती है बेटा दूध वाली चाय से ना सुबह सुबह उल्टी का मन हो जाता है देखिए गुड्डू तो चली गई स्कूल और अंशु अब तैयार है स्कूल जाने के लिए और नाश्ता कर रहा है और आज तो एक गलती हो गई मेरे से कि और गुड्डू को भी याद नहीं रही कि गुड्डू जैकेट नहीं पहन के गई सिर्फ शर्ट शर्ट ही डाल के गई है तो पूरी बाजू की शर्ट पर अब ठंड होने लग गई और वो वैसे ही कई दिन हो गए बीमार हो रही है तो वो जैकेट भूल गई और फिर अंशुमन बेचारा फटाफट नाते के साथ ही कपड़े पहन के उसको जैकेट पहले तो ड्राइवर से बात करी कह रहा मैं रुक जाऊँगा और फिर ड्राइवर रुका भी नहीं सीधे स्कूल में ही चला गया और ये स्कूल में जैकेट दे के आया गुड्डू को भाई बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है देखो इतनी दूर स्कूल पे साइकिल स्कूल में ये साइकिल पे उसको जैकेट देने गया मैंने तो मना भी कर दिया था फ़ोन कर दिया था कि बेटा घर आ जा वापसी आधे रास्ते में ही आधे रास्ते में ही था तो मैंने फ़ोन कर दिया था इसको कि तू आ जा बस तो जा तेरे को भी स्कूल जाना है तैयार होना है पर कह रहा है, नहीं मम्मी वो बीमार हो रही है उसको जैकेट दे के आऊँगा और ज़्यादा बीमार हो जाएगी नहीं तो दो तीन दिन में तो वो ठीक हुई है और तो उसको स्कूल में जैकेट देख के आया और सारे जो उनके प्रोसेस थे वो भी उसने बेचारे ने पूरे किए कि फादर नेम क्लास कौन सी है और कौन से फ्लोर पर तो सारी चीज़ बेचारा बता के आया है और फिर ये इसको जैकेट देख के सबमिट करवा के उसकी जैकेट और तब आया और अब नाश्ता कर रहा है कह रहा हूँ मम्मी मेरे पसीना पसीन हो गया और मेरे को तो इतनी तेज़ मैंने साइकिल चलाई कि कहीं अंकल चले ना जाए और फिर मैंने साइकिल तेज भी चलाई और अंकल फिर भी चले गए और अब मेरे सर में दर्द हो गया उसकी वजह से क्योंकि ये नाते के साथ ही गया था और इसका पेपर भी अब जहाँ थोड़ा रिविज़न भी नहीं कर पाया कह रहा था ना के मम्मी थोड़ा रिविज़न कर लूँगा तो अभी तो टाइम है नाश्ता करके देख दे अपने कर लेगा थोड़ा सा एक दो लेसन का रिविज़न और जा रहा स्कूल देखती हूँ इसको जल्दी बुला लूँगी शायद आज ये देखिए आज बना रही हूँ खिचड़ी क्योंकि आज दवादसी है तो आज चावल खाना जो है कहते हैं चावल खाने से भी पुण्य मिलता है दुवादसी के दिन तो शर्मा जी भी उठ गए हैं उनको चाय दे दी है और दूध मैंने अब मंगाया है क्योंकि दूध सुबह अंशुमन देख के नहीं गया था वो गुड्डू को जैकेट देने गया बस उस चक्कर में ही काफ़ी लेट हो गया तो दूध सुबह नहीं मंगवाया मैंने अब मंगवाया है और अंशु ही लेके आया अंशु आज जल्दी आ गया सुबह उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी वो जैसे ही नाके निकला और कपड़े वपड़े पहन के बस वो उसको जैकेट देने गए उस वजह से पता नहीं उसको ठंडी हवा लगी कैसे क्या हुआ एकदम से उसके सर में दर्द हो गया तो उसको मैंने जल्दी बुला लिया और कुछ वो कह भी रहा था कि मम्मी मेरे टेस्ट है तो मेरे को जल्दी बुला ले और दूध गर्म एक गैस पर दूध गर्म करना रख दिया है और अब खिचड़ी बनाऊँगी गुड्डू भी खा लेगी बच्चे भी खा लेंगे दोपहर में खिचड़ी और मम्मी भी खा लेगी गर्म गर्म खिचड़ी और फिर दवाई ले लेगी मम्मी की तबीयत तो ऐसी हो रही है खैर ठीक तो नहीं हो पा रही ना बोल पा रही है पर हाँ ये है कि अब अस्थमा तो नहीं है आप इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है अस्थमे में वैसे हाँ ये है कि बस उठ तो नहीं पा रही वो ज़्यादा आपकी बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई अस्थमे से तो देखिए दिखा रही हूँ मम्मी भी आपको बात करवा रही मम्मी से भी बोला तो नहीं जा रहा ये देखिए लेटी हुई है आँख नहीं खुल रही बस ऐसे ही लेटी रहती है तो मैंने मना भी करी थी कि मम्मी रहने दे वर्त मत कर वर्त, वर्त मत कर पर नहीं मानी अब अस्थमा तो नहीं है पर बस हाँ ये उठ भी नहीं पा रही तबीयत वैसे ही इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उठ जाए और बात कर ले बस ऐसे ही लेटी रहती है अब सोने देती हूँ नहीं पता आँख लग रही है तो नहीं बोलती हूँ यहाँ ज़्यादा और खिचड़ी बन जाएगी तभी उठाऊंगी तो अगर नहाने की हिम्मत हुई तो नहा लेगी नहीं तो फिर अपना गर्म गरम, -गरम थोड़ी सी खिचड़ी खा के और दवाई ले लेगी तो ज़्यादा नहीं बोलती हूँ सोने देती हूँ करने देती हूँ आराम तो अभी स्कूल से आ चुकी हूँ रात ही मैं खाऊंगी मटर चटका रहा भाई ने तो अपनी चीज खा ली भाई को अब <laughs> अभी भाई ने मेरा ब्लेजर भी दिया था स्कूल में इतनी दूर आया था मेरे को ब्लेजर देने के लिए मेरे को पनिश पापा को दे रही थी मेरे को पनिश होने से बचा लिया बस <laughs> और आज मम्मी ने बनाया, आलू है, तो, तो, तो गुड्डू स्कूल से आ गई है और कह रही आके मम्मी मेरे को आज भाई ने पनिशमेंट से बचा लिया क्योंकि जो बच्चे आज ना ब्लेजर पहन के आए थे ना जैकेट पहन के आए थे उनको मैडम ने अलग लाइन में बिठा दिया था और पनिश कर दिया था कि आज तुमको बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारी नहीं होगी क्योंकि मैंने कल ही बोल दिया था कि कोई बच्चा बिना उसके ब्लेजर के या उसके नहीं आएगा जैकेट के एक चीज़ तो ज़रूर पहन के आनी ड्रेस के साथ क्योंकि अब ठंड होने लग गई फिर भी कई बच्चे मम्मी नहीं पहन के आए थे और मैं जल्दी जल्दी में भूल गई थी और फिर जैसे मम्मी मेरे सर आए मेरे को जैकेट देने तो मैं बहुत खुश हो गई कि मैं सोच मैं तो सोच रही थी कि पापा देख के गए हैं मैं तो सोच रही थी मम्मी के पापा दे के गए हैं बेचारे पूरी रात तो सोए नहीं और अब मेरे जैकेट के लिए उठे हैं सुबह तो आए थे चार बजे और अब मेरी जैकेट देने के लिए आ गए फिर मैंने इसको बताया मैं कि पापा नहीं देखे भाई गया सुबह सुबह तेरी जैकेट देने ड्राइवर अंकल तो रुके ही नहीं और चले गए फिर ये स्कूल में ही गया और जब तेरी जैकेट दे के आया है तो इसने भाई को आके प्यार भी किया मम्मी सच में बड़ा भाई तो बड़ा भाई रहता वैसे पूरे दिन लड़ते रहते हैं बहन भाई और जब ये सुना ना कि हाँ भाई जैकेट देख के आया तभी इतनी खुश हुई, हुई और आज अंशुमन ने पेंटिंग बनाई है हैरी पॉटर की तो ये जो मूवी दिन रात भाई बहन देखते रहते हैं इनको और कोई मूवी अच्छी नहीं लगती एक तो जस्ट एंड मैजिक और एक हैरी पॉटर बस ये दो मूवी देखते हैं ये चाहे इनको कितनी बारी रिपीट कर कर के कर कर के दिखा लो तो इसने आज अपने फेवरेट हीरो की चाहे कुछ भी कह लो अपने जो ये देखता रहता है बहुत पसंद करता है हैरी पॉटर की इसने पेंटिंग बनाई है मैं आपको दिखाती हूँ और बहुत सुंदर हैरी पॉटर की पेंटिंग इसने बनाई है देखिए आप भी ये देखिए कितने सुंदर हैरी पॉटर बनाया है इसने एकदम बिल्कुल जैसे असली हैरी पॉटर हो कोट वगैरह चश्मा देखिए टाई बाल बिल्कुल सेम ऐसे कैरा जैसे हैरी पॉटर ही खड़ा हो सामने देखने कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई और पेंटिंग तो ये बहुत सुंदर बनाने लग गया और शीट भी इसने इसीलिए बनाई थी तो भाई खुश है इसके पापा भी तो इसके पापा भी खुश है क्योंकि सीट इसने अपने लिए मंगवाई थी पेंटिंग के लिए तो अब ये बना ही रहा है हर तीसरे चौथे दिन एक पेंटिंग बना ही लेता है तो इसके पापा भी खुश है कि हाँ भाई मैंने मंगवाई थी तो ये बना रहा है पेंटिंग नहीं तो ये कह रहे थे इसके पापा कि ये रखी मैं मंगा तो दूंगा पर ये रखी रहेंगी पर रखी तो नहीं रही अपने बना ही रहा है एक दो एक दो बनाता ही रहता है हफ्ते में और इसको देख देख के गुड्डू भी सीख रही है ये बनाता है तो गुड्डू भी इसका कंपटीशन करती है तो दोनों बहन भाई लगे रहते हैं हमें पेंटिंग बनाने में और आज जाएंगे श्याम बाबा के मंदिर क्योंकि आज द्वादशी है तो दर्शन करके आएंगे श्याम बाबा के तो अब आ गए श्याम बाबा के मंदिर और श्याम बाबा का मंदिर बहुत ही सुंदर बना है और मैं तो देखती ही रह गई क्योंकि मैंने यार मैं तो पहली बार आई हूँ और ये जहाँ पे बना हुआ है उसको राई बोलते हैं क्योंकि सोला राई यहाँ पे तालाब है और उस तालाब में सोलह रस्ते हैं तो इसलिए इसलिए राई वाला मंदिर बोला जाता है क्योंकि ये तालाब के पास ही बना हुआ है मंदिर है और मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ पाँच छः साल हो गए बने मंदिर को पर मंदिर इतना सुंदर बना रखा है कि बस ऐसे करता है कि शाम बाबा को देखते ही रहे देखते ही रहे और ऐसे दर्शन तो शायद खाटू शाम भी नहीं किए थे मैंने जैसे यहाँ बाबा के यहाँ के किए और इतने सुंदर बना रखे बाबा की मूर्ति भी ऐसे लगता है कोई जैसे बच्चा बिठा रखा हो तैयार करके और मैं तो देखती रही और पास में ही आ, वो जो है बूढ़ी माताएं जो है भजन गा रही हैं अम्मा और बहुत सुंदर सुंदर भजन अच्छे अच्छे भजन गा रही हैं क्योंकि वो कार्तिक के महीने में नहाई होंगी अब तो कार्तिक के महीने में जो जो नहाई थी वहाँ पे जितनी बुजुर्ग थी वो सारी भजन गा रही थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और अच्छे अच्छे भजन गा रही थी और साथ में तुलसी और सालीग्राम भी दिखा रखे थे क्योंकि कल शादी करी थी अंशु गुड्डू हमारे साथ नहीं आए मैं और शर्मा जी ही आए हैं अगर दोनों आते तो उनको भी बहुत अच्छा लगता और वो भी दर्शन कर लेते पर हम दोनों के पेपर चल रहे हैं टेस्ट हैं तो दोनों बहन भाई नहीं आए बोले मम्मी हम घर पे ही रहेंगे और कुछ मम्मी भी थी घर पे अकेली और बीमार भी है तो फिर मैं जान पूछ के भी नहीं लेके कि बेटा चलो तुम पढ़ाई भी कर लोगे और नानी भी अकेली नहीं रहेगी तो तुम घर पे ही रहो पर आते तो थो थोड़ा अच्छा लगता बच्चे भी दर्शन कर लेते क्योंकि मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है और बहुत काफ़ी बड़ा भी है इसमें बैठ के आराम से कीर्तन वगैरह भी कर सकते हैं और काफ़ी बड़ा मंदिर है और एक एक चीज़ इतनी सुंदर बना रखी है सारे मंदिर सारे ही तो मंदिर बना रखे हैं और सारी मूर्तियाँ इतनी अच्छी लग रही है मेरे को तो मैं तो ऐसे कर रही बस बैठ के यहाँ दर्शन करती रहूँ और मैं काफ़ी देर बैठी भी रही और भजन भी सुने अच्छे अच्छे जो अम्मा गा रही थी दर्शन कर आए हैं और बहुत अच्छा लगा और मंदिर बहुत बड़ा है पाँच छः साल हो गए बने हुए को मैं तो आज गई हूँ पहली बार भाई वही बात है कहते हैं बिना बुलाए इतने बाबा का बुलावा नहीं आता इतने ना तो खाटू शाम जा पाते और ना यहीं की ये रेवाड़ी में जा पाते आज बाबा का बुलावा आया तो दर्शन करके आए और मंदिर बहुत अच्छा बना रखा और बहुत बड़ा भी है कैसे ही बैठ के कीर्तन वगैरह कैसे ही करो और जो कार्तिक स्नान कर रही थी वो जो बुढ़िया बैठ के भजन गा रही थी बहुत अच्छे अच्छे भजन गा रही थी तो वहाँ में बैठ के सुनने भी लग गई इस चक्कर में देर भी हो गई और अब आते रसोई में लग गई पालक काट रही हूँ और पालक की और मूली की कढ़ी बनाऊँगी पहले ही काट देती हूँ फिर पूजा करूँगी फिर कड़ी बनाऊँगी तो काफ़ी देर लग जाएगी बाकी बातें बाद में करेंगे तो देखिए लस्सी में बेसन और हल्दी घोल लिए मैंने मूली काट ली और ये टमाटर पीस लिए टमाटर इसलिए पीसे हैं क्योंकि लस्सी सुबह ही ली थी और खट्टी नहीं थी और कढ़ी जब तक तो खट्टी ना हो तो अच्छी नहीं लगती और ये मैंने पालक काट ली है और बस तेल भी गर्म ही है और आज कड़ी बना रही हूँ मैं शर्मा जी के कहने पर क्योंकि कह रहे थे कि मैं जब बुकिंग पे चला जाता हूँ ना तो तुम मेरे बाद मेरे जाने के बाद मैं कड़ी चावल बनाते हो देख लेते हो हाँ भाई आज बुकिंग पे गए तो आज कड़ी चावल बनाने तो उनको कड़ी चावल खाने की आज है कि मेरे को आज कड़ी चावल ही खाने हैं और पूछती हूँ मैं तो रोटी बनाने की कह रही हूँ कि रोटी बना देती हूँ क्योंकि सुबह भी खिचड़ी बनाई थी बच्चों के लिए तो पूछती हूँ अब कड़ी के साथ रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे तो आज कड़ी बना रही हूँ मैं शर्मा जी के लिए कई दिन हो गए करते करते कि भाई कड़ी बनाओ कड़ी बनाओ मेरे पीछे से बना लेते हो तो कड़ी के लिए अब सारा सामान इकट्ठा कर लिया और लस्सी खट्टी कम थी क्योंकि सुबह ही ली थी मैंने लस्सी और अब ठंड होने लग गई तो खट लस्सी खट्टी नहीं हुई और खट्टी लस्सी ना हो तो फिर कड़ी भी खट्टी नहीं बनती और फिर बिना खट कढ़ी अगर खट्टी ना हो तो टेस्टी भी नहीं लगती अच्छी भी नहीं लगती इसके लिए मैंने फिर अब टमाटर डाल लिए हैं कि कढ़ी थोड़ी खट्टी भी हो जाएगी और टेस्टी भी बन जाएगी तो अब बना रही हूँ कढ़ी क्योंकि तेल भी गर्म हो गया है तो अब छोंक देती हूँ इसको क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा और फिर पूजा भी करूँगी मंदिर में चले गए थे तो वहाँ भी देर लग गई थी तो अब बस पहले कड़ी छोंकती हूँ फिर करूँगी पूजा तो कढ़ी चावल बना दिए हैं और बच्चों को दे दिए हैं कैसा लगा भाई कड़ी कैसी बनी आज मैंने कर दी पर, कड़ी पत्ते नहीं डाले अच्छी बनी है क्योंकि कड़ी पत्ते ही ना डाले कि मैं क्यों गई बाजार चले गए मंदिर चले गए लेट हो गए थे फिर शाम को पेड़ के पत्ते तोड़े नहीं इस वजह से नहीं डाले और तो। बच्चों को खाना दे दिया है और मम्मी भी खा रही मम्मी ने तो एक ही रोटी खाई है कह रही बेटा मेरा मन नहीं कर रहा और मम्मी की तबीयत नहीं हो रही ठीक कह रही है पता नहीं बेटा अब की बात में मर ही ना जाऊं कहीं अब हिम्मत हो ही नहीं रही पर हो जाएगी ठीक दो तीन दिन तो लगेंगे क्योंकि अस्थमा ज़्यादा हो गया था और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी तो आज तो थो थोड़ी बहुत बोल रही है पर बोल भी क्या रही है बस ये है कि दवाई देते दे, इतना थोड़ा बहुत ही पूरी रात हो गई पूरा दिन हो गया मुँह उठाया ही नहीं बैठी ही नहीं हुई लेटी हुई है और अब जैसे तैसे करके एक रोटी खिलाई है उनको भी मम्मी खा लो दवाई तो लेनी आई तो मम्मी को भी एक रोटी खिलाई और अब दवाई दूंगी तो हो जाएगी ठीक पर वो चिंता करिए कि अब की बार मैं सर्दियाँ में मैं बेटा मेंबर भरूँगी अब ठीक नहीं होंगी जाऊँगी फिर <laughs> पापा के पास मगर तो ऐसी ऐसी बातें करती रहती है मेरा भी दिल दुखाती रहती है और अब बच्चों को खाना दे दिया है लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगा दिया है और मम्मी ने भी खाना खा लिया मम्मी को देती हूँ दवाई गर्म पानी करके वो खाना खा लिया है और मम्मी को भी दवाई दे दी है शर्मा जी को भी सुबह जल्दी जाना है तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना जय श्री कृष्ण